सत्ता के लालच में कांग्रेस ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदुओं का अपमान किया। कांग्रेस के शासनकाल में कभी सनातन पर प्रहार हुआ तो कभी हिंदुओं पर अत्याचार हुए, मगर कांग्रेस ने हमेशा अपने खास वोट बैंक के हित में ही कदम उठाए। आज एक तरफ राहुल गांधी सदन में भगवान शिव की तस्वीर लेकर खुद को सच्चा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को हिंसक बताते हुए खुद ही कांग्रेस की एंटी हिंदू मानसिकता का खुलासा कर रहे हैं। इतिहास के पन्नों को पलटने पर साफ पता चलता है कि कैसे कांग्रेस सरकार में रहते हुए ऐसे कई बिल लेकर आई जो हिंदू विरोधी थे। नेहरू सरकार 1950 में आर्टिकल 25 लेकर आई जिसने भारत में धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी। 1950 में ही नेहरू सरकार आर्टिकल 28 लेकर आई जिसने हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया, और 1951 में नेहरू सरकार हिंदू दान धर्म एक्ट लेकर आई। कारण दिया गया कि बड़े मंदिरों का रखरखाव सही तरीके से हो सके, लेकिन इसकी आड़ में मंदिरों पर कब्जे कर लिए गए। यह एक्ट सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पर लागू था, बाकी धर्म और धार्मिक स्थलों को इस एक्ट से बाहर रखा गया। अपने पिता की राह पर चलते हुए इंदिरा गांधी ने भी हिंदुओं के अपमान में कोई कमी नहीं छोड़ी। 1966 में नागा साधुओं पर गोलियां चलवाईं। इसके बाद 1991 में कांग्रेस सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम लेकर आई। इसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता था। 1995 में वक्फ बोर्ड कानून बनाकर कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति दे दी। रेलवे और रक्षा के बाद संपत्ति के मामले में आज वक्फ बोर्ड देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 2011 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार सांप्रदायिक दंगा निवारण बिल को लागू करना चाहती थी। इस बिल के जरिए कांग्रेस किसी भी हिंसा के लिए बहुसंख्यक आबादी को जिम्मेदार ठहराना चाहती थी। कांग्रेस ने पहले सत्ता में रहते हुए हिंदू विरोधी कानून बनाए, फिर विपक्ष में रहते हुए भी हिंदुओं के अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस राहुल गांधी ने कभी मंदिर जाने वालों को लड़की छेड़ने वाला बताया, वही राहुल गांधी आज हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। लेकिन आज पूरा देश कांग्रेस का एंटी हिंदू एजेंडा अच्छी तरह से समझ चुका है। अभी तो लागत में काम आती, लागत घट। तो आज हम आपके लिए बहुत बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं, जिसमें लाडली बहनाएं भी हैं, लाडली आवास योजना में घोटाला भी शामिल हो गया है, रोजगारों के लिए भी न्यूज है, साथ में आयुष्मान योजना के घोटाले की बात भी की जा रही है। यहां पर आज का जो वीडियो है, हर एक उस इंसान को देखना चाहिए जिनके घर में माता पिता हैं, जिनके घर में बच्चे हैं या जिनके घर में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं। साथ में किसानों के लिए भी कुछ बड़ी खबर लेकर आया हूं। मामा ने बयान जारी किया है और आवास योजना में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर, और जो स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती थी मध्य प्रदेश सरकार ने उसे बढ़ा दिया है। आज ही इसका ऐलान मोहन यादव ने कर दिया है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी भर्तियां भी आने वाली हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज की कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण निर्णय रहा, लेकिन शिक्षकों को होल्ड पदों को लेकर मुख्यमंत्री की किरकिरी हो गई। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी मंच से बोल रहे थे कि हमने 13% ओबीसी आरक्षण को हटा दिया है, हमने उनके होल्ड पद को हटा दिया है और सबको नियुक्ति देंगे। यहां पर दो पत्र जारी हुए, एक पत्र 9 जुलाई को जारी होता है जिसमें यह कहा गया कि जो होल्ड 13% वाले ओबीसी वाले छात्र हैं उनको क्या दे दी जाएगी, नियुक्ति। लेकिन अगले ही एक दो दिन बाद 11 जुलाई को एक आपको देख सकते हैं यहां पर निरस्तीकरण की सूचना, यानी कि 9 तारीख को जो आदेश दिया था ओबीसी का 13% में देंगे, अब वो निरस्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की निष्क्रियता के चलते प्रशासन ने ओबीसी आरक्षण को मजाक बना दिया है। 13% का अनहोल्ड वाला जो आदेश था वो 11 तारीख को निरस्त कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि सरकार का कंट्रोल प्रशासन पे है भी या नहीं, आपको देखना पड़ेगा। मामला समझाता हूं मैं आपको पूरा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाई थी, बच्चे भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। आपको मालूम है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते 13% और 87% का रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब सरकार ने कहा कि हम तो ओबीसी का 13% जो रिजल्ट था वो भी जारी कर देंगे। उन्होंने 9 तारीख को आदेश निकाल दिया कि अब इनको अनहोल्ड किया जाता है, लेकिन 11 तारीख को वही आदेश रिवर्स कर दिया गया और जिन बच्चों को ज्वाइनिंग दी जा रही थी उनकी ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी गई। तो ओबीसी मामले में ये बड़ी खबर है। प्लीज दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर आए हैं कि पीएम आवास योजना, सबको बड़ी खुशखबरी हो रही थी, पीएम आवास योजना में एक स्कैम सामने आया है और ये कहीं और का नहीं है,
ये इंदौर का ही है, इंदौर का ही है। पीएम आवास योजना में आपको पता होगा कि पीएम आवास योजना में करोड़ों के फ्लैट एजेंसियां बिना अनुबंध के ही बेचे जा रही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में निगम की गंभीर लापरवाही सामने आई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त हरिका सिंह गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के दफ्तर पहुंचे और करीब 1.5 घंटे तक दस्तावेजों की जांच करने के बाद ये पाया गया कि अलग मुख्यमंत्री भार्गव ने यह बोला है कि जितने भी ऐसे लोग हैं उनकी गड़बड़ी अगर सामने आई है तो उनको हम क्या करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये गड़बड़ी हुई क्यों और क्या हुआ, मैं आपको मामला समझाता हूँ। कहा यह जा रहा था कि यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ी की जा रही थी, तय कीमत से अधिक में फ्लैट आवंटित किए जा रहे थे। यानी कि पीएम आवास योजना में एग्जांपल की भैया 2 करोड़ ज़्यादा हो गया, 50 लाख का फ्लैट दिया जाएगा, वो आपको 55 लाख 60 लाख में दे रहे थे और लाभ अपनी पसंद से लोग ले भी रहे थे, क्योंकि पीएम आवास योजना के जो फ्लैट होते हैं वो नॉर्मल रेट से सस्ते होते हैं। तो ये गड़बड़ी यहाँ पर की जा रही थी। पड़ताल के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है और यहाँ पर समिति तय सीमा में ये से जो घोटालेबाज हैं उनकी रिपोर्ट बनाएगी। तो आवास योजना एक तरफ तो लाभान्वित कर रही है लोगों को, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब लोग गुणगान गा रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनको चूना लगा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। पुष्पित भार्गव जो हमारे महापौर हैं इंदौर के, उन्होंने ये आश्वासन दिया भी है, तो ये बड़ी बात है। आवास योजना में 50-50 करोड़ का घोटाला हो रहा है, ये उमंग सिंघार ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया है। सुनते हैं ये उनका वीडियो। बेना बेना के आप सबको पता ही है क्या स्थिति है। सीएम राइस की जो बिल्डिंगें बन रही है गुजरात के ठेकेदार अधिकतर बना रहे आके, वो इसमें जो घोटाला चल रहा है, ओवर बिलिंग हो रही है, एस्केलेशन हो रहा है। अगर 3 मीटर है कि खुदाई करना तो 2 मीटर हो रहा है, ऐसे ही बिल बन रहे। आप किसी भी बिल्डिंग को खुदवा के बता दूंगा, जांच करा ले कितना इसके अंदर घोटाला, एक एक की 50-50 करोड़ की बिल्डिंग हो के अंदर। आवास योजना में 50-50 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि पर मामा का एक बयान सामने आया है। पीएम किसान सम्मान निधि मामा ने कुछ दिनों पहले जब कृषि मंत्री बने थे, उन्होंने किसानों के लिए एक वादा किया था कि किसानों की आय तिगुनी कर दी जाएगी, यानी कि जो आय अभी आपकी है वो आपकी 3 गुना मिलेगी। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। खाद बीज फ्री में बांटा जाएगा, जो उनके पास पट्टे नहीं है, भूमिहीन किसान है, उनको पट्टे दिए जाएंगे, ग्राम पंचायत से उन्हें स्वीकृत करवाया जाएगा। जो भूमिहीन किसान है उनको रहने के लिए जगह दी जाएगी, साथ ही साथ उनको कम से कम 1 एकड़ खेती भूमि करने के लिए दी जाएगी, मतलब कृषि करने के लिए दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा किसान सम्मान निधि जिनके पास लगभग 1 एकड़ से ऊपर की भूमि है उनको 12,000 रुपये तक की राशि किसान के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से दी जाएगी। उसको लेकर आज एक बड़ा बयान मामा का, हमारे मामा मंत्री बन गए हैं, चलो सुनते हैं उनके नए तेवर क्या हैं। और मैं तो महाराष्ट्र को बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी, आपने जो किसान सम्मान निधि दुगनी की है वो भी तो लागत में ही काम आती, लागत घटती है उससे, विशेषकर छोटे किसान, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर के लिए वरदान है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और आपने नमो किसान सम्मान निधि बनाई। खाद बीज जरूरी चीजें जो कहीं और से अगर बैंक से नहीं मिलता था तो उधार लेते थे ऊंचे ब्याज पर, और 1 रुपया प्रीमियम लेके उनकी फसल का बीमा करना, ये भी आपने बहुत बहुत अभिनंदनीय काम किया। तो मामा अब पूरे भारत को साथ में लेकर चल रहे हैं, अभी मध्यप्रदेश के मामा थे, अभी पूरे भारत के मामा बन गए हैं। लेकिन पुलिस विभाग में फिर से भर्ती आएगी, इसको लेकर मोहन यादव का एक और बयान जारी आ गया है। अब ये बयान वायरल भी हो रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लोगों ने इनको घेरा था। तो चलिए सुनते हैं 7,500। हालांकि कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि पुराने पद ही हैं, लेकिन मोहन यादव के मुंह से सुनिए क्या इन्होंने क्या बोला भर्ती के बारे में। आप सब जानते हैं कि पुलिस को लेकर के हमारी सरकार बहुत सेंसिटिव है और खास करके इस पुलिस के अंदर की व्यवस्थाओं के लिए भी संवेदनशीलता के आधार पर जैसे 7,500 से ज्यादा पद इसी बजट में हमने रखे हैं जो सभी प्रकार के पुलिस की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। कुल मिलाकर के जहां जहां जरूरतें हैं पुलिस विभाग में तत्परता से अगर ड्यूटी कर देता है तो संवेदनशीलता के आधार पर पुलिस से सहृदयता के संबंध हमारे अपने
पूरे समाज से अपेक्षित है और ऐसे में ये सकारात्मक एक स्वरूप दिखाई देता है समाज के दैनंदिन के कार्यक्रमों में इस प्रकार के आयोजन जोड़ने से। मैं एक बार फिर पुलिस की न केवल दक्षता के बलबूते पर लेकिन नक्सलवादी मामले में जिस प्रकार से पुलिस ने अपना रोल अदा किया है, लगातार हमारी शक्ति के आधार पर पुलिस ने अपने मूल रूप को भी कायम किया, मैं उसकी भी बधाई देना चाहूंगा। पुलिस इसी प्रकार से काम करते रहे सरकार। तो मुख्यमंत्री साहब तो फिर से कह रहे हैं कि भैया भर्ती करवाई जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पर कि एक छोटे से फॉर्म को भरने के लिए, एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए, वो भी प्राइवेट, ऐसी भीड़ पड़ी कि वहां पर रोलिंग ही टूट गई। यानी कि बेरोजगारी का आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे भारत में चरम सीमा पर बेरोजगारी पहुंच गई है। इस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मोहन सरकार हो या बीजेपी सरकार हो या मोदी सरकार हो, इनको कम से कम प्रयास इतना करना चाहिए कि कम से कम बच्चों के लिए जितनी वैकेंसी है उनको रेगुलर बेसिस पर निकालते रहें। हालांकि मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए MPSI की भर्ती के लिए भोपाल जाऊंगा, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती में पद बुलाने के लिए बात करूंगा, शिक्षक भर्ती में पद को घोषित करने की बात करूंगा। तो बहुत जल्द मैं भोपाल जाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले अगर आपके घर में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा हो, सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा हो, तो अगर आपको पढ़ाई करनी है या फिर आपको किताबें परचेस करनी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, देखो CTET यानी कि वर्ग 3 की तैयारी भी हम आपको करवाते हैं, महिला पर्यवेक्षक की किताबें भी अवेलेबल हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन पर। प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारी पूरी मध्यप्रदेश टीम है जो आपको घर बैठे पढ़ाती है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, इंस्टाग्राम फेसबुक पर दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कीजिए और हमको फॉलो कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार की कभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी मेन मुद्दा तो आज का ये था कि OBC आरक्षण को लेकर जो मुख्यमंत्री का वादा था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। 13% होल्ड को हटाकर अब उसे नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया गया है। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। प्लीज बने रहिए हमारे साथ।